कौन कौन सी गाड़ियां थी जो लॉन्च हुई, उनमें खासियत क्या थी, और अगर आप इनमें से कोई एक गाड़ी खरीदना चाहें तो वो चॉइस कौन सी हुई। इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी देने के लिए आपको सीधे प्रगति मैदान लिए चलते हैं, जहां से मेरी सहयोगी सोनिया सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं। जी सोनिया। जी रितुल, यहां पर कहने को तो मीडिया डे था, लेकिन इतनी गहमा गहमी थी और नई कारों के लॉन्च को लेकर तो वाकई में जिस तरह की एक लोगों में वो देखने को मिली, क्यूरियोसिटी देखने को मिली, उसको देखकर हम कह सकते हैं कि शायद अमिताभ बच्चन कहीं फीके ना पड़ जाए इसके आगे। दिलीप छाबड़िया बताएंगे हमें इसके बारे में, सुपर कार उन्होंने लॉन्च किया, हमारे साथ समय मौजूद है, और साथ ही योगेंद्र प्रताप मौजूद है ऑटोमोबाइल एडिटर, जो हमें बताएंगे कि कौन सी गाड़ी आम लोगों के लिए खास रहेगी इस बार ऑटो एक्सपो में। काफी कुछ बदलाव हमने देखने को मिला है पिछले सात, अगर ऑटो एक्सपो जो मैंने कवर किए हैं उसको देखा जाए तो छोटी कार कहीं ना कहीं पीछे खोती हुई नजर आ रही है, और इस बार कॉम्पैक्ट एसयूवी का जमाना आता हुआ दिख रहा है। शायद ये वो सेगमेंट है जिसमें अभी तक कार कंपनियों ने ज्यादा अपना मॉडल लॉन्च नहीं किए हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि पुनः इस सेगमेंट को और देखा जाए। अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी कारें आज लॉन्च हुई हैं, कौन कौन से डिजाइन आज लॉन्च हुए हैं, कौन कौन से कॉम्पैक्ट आज लॉन्च हुए हैं। कॉन्सेप्ट की अगर बात की जाए तो कौन सी ऐसी कारें हैं जो अगले दो तीन सालों में हमें सड़कों पर देखती हुई मिलेंगी। शुरुआत हम करते हैं मारुति से। इस कार में देसी पहलवानों का दम है, कार में देसी पहलवानों की ताकत है, कार में पहाड़ और जंगल को रौंदने का मादा है। मारुति की ये कॉन्सेप्ट एसयूवी है XA अल्फा। इसमें के सीरीज का पेट्रोल इंजन लगा है, अपने पांच इंजीनियर्स की मदद से मारुति ने इसे 10 महीने में तैयार किया है। हालांकि ये कार कितने सीसी की है और लॉन्च के पहले तक इसकी सूरत क्या होगी, इसका भी खुलासा नहीं किया गया है। इसकी कीमत से भी पर्दा तभी उठेगा जब मारुति इसे फाइनल शेप देगी। इस कार का हाल कहीं ए स्टार जैसा ना हो जाए जो ऑटो एक्सपो में दिखाई गई थी, लेकिन जब ए स्टार लॉन्च की गई थी तो उसका रूप काफी बदल गया था। देश में कुल कारों की बिक्री में से 14% बाजार एसयूवी का है। XA अल्फा के जरिए मारुति सुजुकी इस बाजार में भी अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है। अनुया यादव, दिल्ली आज तक।